अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनकाउंटर्स की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले भारत में हुई थी, और पहले एनकाउंटर से असद के मारे जाने तक पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं, और यह पहला एनकाउंटर हैदराबाद में ब्रिटिश फौज के द्वारा किया गया था। और उसके बाद तो आज़ादी के बाद हैदराबाद निज़ाम की पुलिस को एनकाउंटर करने का बाकायदा संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था। ये साल था 1922 जब हैदराबाद रियासत की पुलिस ने जिस शख्स का एनकाउंटर किया था वो आदिवासियों के हीरो के तौर पर जाने जाते थे। उस समय वो चर्चित हुए रंपा विरोध के नायक के रूप में, जिसने अंग्रेजों के साथ हैदराबाद निज़ाम की भी नींद उड़ा दी थी। अल्लूरी, जी हाँ, ये नाम था उस व्यक्ति का जिनके नाम पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक ढेरों कहानियां पड़ी हुई हैं, कविताएं उनके नाम की गाई जाती हैं। वो ऐसे नायक थे जिनकी क्षमता को लेकर अब भी खूब बखान मिलता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब आपको बताते हैं कौन थे अल्लूरी जिनका पहला एनकाउंटर हुआ था। दरअसल अल्लूरी ने पिछले सदी में दूसरे दशक में अंग्रेज राज के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसने अंग्रेजों के होश फाख्ता कर दिए थे। वो गोरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते थे, और बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों के नेता थे। अल्लूरी की उम्र 20 साल ही थी कि उन्होंने संन्यास ले लिया और साधु बन गए, लेकिन उनकी आंखों में गजब का तेज था और शरीर में बला की तेजी और फुर्ती थी। असंभव को संभव में बदलने के लिए उनके अंदर क्षमता थी। जब वो बोलते थे तो समा बंध जाता था, ये इलाकों के लोग आज भी बताते हैं। ये पूरा इलाका तब हैदराबाद की रियासत में आता था और यहाँ निज़ाम राज करते थे, और उनकी पुलिस को अच्छे खासे अधिकार मिले हुए थे। अल्लूरी अच्छे परिवार से थे और उनके पिता फोटोग्राफी करते थे, जो उस जमाने में तकनीक के लिहाज से एक नया और अनोखा काम हुआ करता था। उनके चाचा तहसीलदार थे और हाई स्कूल में ही घोड़ी की सवारी करते हुए कब वो ग्रुप के नेता बन गए खुद को उन्हें पता ही नहीं चला। वह जब विशाखापट्टनम पढ़ने गए तब उन्हें एक लड़की जिसका नाम था सीता, उससे प्यार हो गया। दुर्भाग्य से सीता का निधन हो गया और अल्लूरी का दिल टूट गया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि लोग बताते हैं कि पढ़ाई में वो अच्छे स्टूडेंट थे, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद उनका ध्यान ज्योतिष, हस्तरेखा और घुड़ सवारी करने में लग गया। जिस लड़की से उन्होंने प्यार किया था उसका नाम उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, जी हाँ, अल्लूरी सीताराम। 18 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। इसी दौरान अंग्रेजों ने जब गोदावरी इलाके के जंगलों में जहाँ आदिवासी रहते थे उनकी खेती करने पर पाबंदी लगा दी और खुद बड़े पैमाने पर जंगल को काटना शुरू कर दिया, तो उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा करना शुरू किया और बहुत विचलित थे कि अंग्रेजों की मनमानी से आदिवासी भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गए थे। इसके साथ ही रंपा विद्रोह के नायक के तौर पर भी अल्लूरी उभरे थे। साल 1922 के आसपास जब विद्रोह शुरू हुआ तो उसको रंपा विद्रोह कहा गया। हालांकि इसी नाम का कुछ साल पहले भी एक आंदोलन हो चुका था और उसकी याद ताजा थी। रंपा गोदावरी जिले में एक पहाड़ी अंचल का नाम था। अल्लूरी ने आदिवासियों को यहीं पर प्रशिक्षण किया और उन्हें हथियार चलाना सिखाया। आदिवासी उन्हें चमत्कारी पुरुष के तौर पर जानते थे। आदिवासी उन्हें भगवान मानते थे। ये माना जाता था कि वो चमत्कारिक पुरुष हैं, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मानवों में सामान्य तौर पर नहीं होती। अल्लूरी की अगुवाई में ही गोरिल्ला युद्ध 700 किलोमीटर के इलाके में फैल गया था। इस इलाके में 28,000 से ज़्यादा आदिवासी रहते थे। उन्होंने इलाके के पुलिस थानों पर एक साथ मिलकर हमला करना शुरू कर दिया और इसे गोरिल्ला युद्ध का नाम दिया गया। अल्लूरी के बारे में जानने से पहले अब आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से देश में आज़ादी के आसपास जब हैदराबाद रियासत में तेलंगाना के लिए संघर्ष शुरू हुआ तो हैदराबाद राज्य ने उन्हीं कानून के तहत जिसे पुलिस को विशेष शक्तियाँ मिली थी उसके आधार पर उन्होंने तमाम लोगों को मार डाला था। बता दें कि तेलंगाना के समर्थक क्रांतिकारियों का चुन चुनकर उस दौरान सफाया किया जा रहा था। बताया जाता है कि 1946 से 1951 तक चले इस इनकाउंटर्स में तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आपको एक बात और याद दिला दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं पहले रिकॉर्डेड इनकाउंटर के शहीद अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण भी किया था, जिसके बाद उनको पूरा देश जान गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।